वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आपका एक बार फिर से मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिविल गुरुजी, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं गायत्री वेंचर्स के साइट इंचार्ज मिस्टर नीरज कुमार। और मैं नीरज कुमार जी के बारे में बताऊं कि ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं 29 करोड़ का। और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना में भी, कोरोना के इस पैंडेमिक लॉकडाउन में भी सर ने कंटिन्यूअसली अच्छे तरीकों से अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करके रखा है। और जैसे कि सर से हमारी बात हुई कि इस समय सर के यहाँ की जो लेबर कैपेसिटी वो भी इन्होंने इंक्रीज करके रखा है, जिससे कि इनका प्रोजेक्ट और भी आसानी से चालू हो जाए। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे नीरज कुमार सर का। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू सर। हम जानना चाहते हैं आपसे कि किस तरीके से आपने इस लॉकडाउन पे भी और इतने इजी पैटर्न पे आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं कि जहाँ पूरी दुनिया बंद है, हर जगह लेबर वापस जा चुके हैं, उसके बावजूद भी आपके साइड में लेबर कैपेसिटी आप बता रहे हैं कि इंक्रीज हो गया है, वो किस तरीके से आपने मैनेज किया? एक्चुअली हुआ क्या सर, जब होली के बाद में जब काम चल रहे थे तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लेबर, मिस्त्री सभी लोग काम कर रहे थे जी। और अचानक से लॉकडाउन आ गया। हाँ जी। तो अचानक सभी लोग घबरा गए, तो उन लोगों को हम लोगों ने ये इनको ये बताया कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप लोग अपने जगहों पर रहो, ठीक है ना। और जहाँ तक रही बात उनको खाने पीने की, तो वो सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होती थी जी जी। लेकिन कंपनी सबसे यही चीज़ उनको, उनके लिए ना, ये उनके लिए खड़ा रहा, है ना। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो कंपनी उनको प्रोवाइड कराती थी। हाँ जी। अगर कंपनी नहीं, अगर उनके अगर कॉन्ट्रेक्टर नहीं करा पाते थे तो हमारे कंपनी के ऑनर उनको ये चीज़ प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से वो लोग इतने लंबे समय तक टिके रहे। उसके बावजूद भी अगर कोई किसी को जाना था वो चले गए, लेकिन जो रुके तो वो कंटिन्यू काम कर रहे थे और कर भी रहे थे। और जैसे ही जैसे लॉकडाउन कम होता गया, फिर जैसे बाहर के जितने भी लेबर मिस्त्री थे जब घर वापस कर रहे थे, तो फिर वो काम मांगने आए, तो फिर उन लोगों को हमने काम भी दिया। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ये काम करने तो आए हैं, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और एक्चुअली मेरा साइड उस समय थोड़ा खाली हो गया था, है ना। इतनी परेशानी थी नहीं, घबराहट थी नहीं। अभी क्या ना, सभी चीज़ों से सभी को घबराहट होने लगी थी, है ना सर। ये तो एक चीज़ हम लोगों ने यही सोचा कि अगर जैसे काम कंप्लीट होता है उनके अकाउंट में तुरंत काम के, जितने भी काम के तुरंत उनका पैसा हम लोग ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि पहले बिलीफ सिस्टम तैयार किया लेबर का जी, कि लेबर को ये बिलीव हो जाना चाहिए कि कंपनी मेरे लिए है, कि हमने काम कंप्लीट किया और तुरंत पैसा आ गया। और सबसे पहला मोटिव यही है कि जो भी आपके साथ काम कर रहा है तो उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। और लगभग कंपनीज में सर यही हुआ जी। सर बस यही हुआ और सबका भरोसा बनते गया और सभी लोग और भी आदमी को बुलाना चालू कर दिए, जिसकी वजह से क्या ना, हमारे जो 17 ब्लॉक हैं, 17 ब्लॉक में मुश्किल से 8-9 ब्लॉक में ही काम चलता था, आज की डेट में पूरे 17 के 17 ब्लॉक में काम चल रहे हैं। इसका हम आपको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आपको साइट वीडियो भी दिखा सकते हैं। हर ब्लॉक के हर 4-4 यूनिट में आपका काम चल रहा है, कहीं भी काम बंद नहीं हुआ है, बल्कि और भी आदमी आ रहे हैं। काम हमारे पास ऐसा हुआ कि काम है नहीं और हम लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। वाह सर, ये बात है सर। मतलब कि सबसे पहला जो अपन यहाँ से सीखने के लिए मिलता है कि किसी भी निगेटिव सिचुएशन में भी उसका पॉजिटिविटी कैसे खोज सकते हैं, ये सर बता रहे हैं कि लेबर का भरोसा है उसका पेमेंट, कि यदि वो काम करते वक्त यदि उसको पेमेंट से समय पर मिल गया तो लेबर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। कुछ मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने अपना करियर स्टार्ट किया और कैसे आप इस पोजीशन में पहुंचे। आज आप करीब करीब 30 करोड़ का प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर रहे हैं, तो वो कैसे मुमकिन हुआ और इतने कम समय पे? सर जैसे आपने कहा ना कि सबसे पहले लेबर मिस्त्री जो भी है उनका बिलीव, तो वही बस मेरा इसमें बिलीव था। मेरा प्लस टू के बाद में कॉलेज तक का सफ़र बहुत थोड़ा क्रिटिकल था जी जी, एकदम जानना चाहेंगे सर हम। इसलिए क्रिटिकल था क्योंकि सर हम एक मिडिल फैमिली से आते हैं, उतना स्ट्रांग भी नहीं है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो ऐसे डायरेक्ट कैश पेमेंट देके पढ़ना बहुत मेरे लिए टफ था। तो एक बिहार गवर्नमेंट का स्कीम था स्कॉलरशिप के थ्रू, जिसमें मार्क्स आपका अच्छा रहेगा तो उसमें आपको जाना मिल जाएगा उसमें। तो वहाँ पर हम बाई स्कॉलरशिप के थ्रू गए, वह भी एक बार नहीं 3 बार जाके भुवनेश्वर रिटर्न आ चुके। अच्छा। क्योंकि मेरा जब जाते थे तो बिलीव नहीं होता था कि एक्चुअली में ये सही है कि गलत है, कहीं अगर हम गए कहीं हम फंस गए, मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो गया, मेरा डॉक्यूमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
तो इन चीज़ों के बारे में बार बार जानकारी लेने के लिए ना बार मेरे को ना 3 बार जाना पड़े वहाँ पे। मतलब ट्वेल्थ के एज में आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट उड़ीसा गए एजुकेशन के लिए? जी सर। फिर वहाँ मेरा 4 साल निकला, वहाँ से मेरा फर्स्ट यही गायत्री वेंचर है जिसमें इंटरव्यू दिए। तो अच्छा। यहाँ मेरा सर्वे में जॉब लग गया। स्टार्टिंग आपने यहाँ से सर्वे से किया? सर्वे से किए, तो कैनाल का सर्वे करते थे। हाँ जी। तो वहाँ पे मेरा धीरे धीरे अपना बनता गया। जी। वहाँ मेरा मेहनत काम आया, मेरे साथ में कम से कम 3-4 बंदे ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन सभी लोग छोड़ दिए 2-3 महीने में सभी लोग छोड़ दिए। लेकिन हम छोड़े इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि मुझे कुछ करना था आगे। यस सर। है ना, सबसे पहले क्या है कि अपना बेस मजबूत करना। जी। तो सर्वे भी करते तो सर्वे मुझे आता नहीं था। हाँ। जो किए थे कॉलेज में किए थे, स्टडी किए थे, एक फील्ड सर्वे जो मेरे को मिल रहा था ना वो मेरे लिए एक्सपीरियंस बन रहा था। लेकिन क्या है ना कि जब तक के बूंद बूंद से तालाब भरती है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा सीखने सीखने से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बात सर। तो वैसे ही हम सीखते गए और इस कंपनी में मेरा पैर जमते गया। सर्वे किए, फिर सर्वे से फिर कैनाल का स्ट्रक्चर काम करने को मिला। वाओ। फिर वहाँ से ये जैसे बिल्डिंग है इनको प्रोजेक्ट मिला, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाया गया। अच्छा, मतलब हाँ, पहला प्रोजेक्ट आप वहाँ रनिंग में थे? रनिंग में। जब वहाँ आपने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो ये प्रोजेक्ट आपको मिला, फिर मुझे यहाँ पे भेजा गया। जी। तो यहाँ पे भी मुझे बिल्डिंग के बारे में पता था बाय स्टडी, लेकिन फील्ड में काम किए नहीं थे। कैनाल में काम किया जी, यहाँ भी मेरे लिए पहला था, जीरो से स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे। लेआउट वगैरह भी था तो उतना मुझे पता नहीं था। हाँ जी। तो एक मेरे दीपक सर थे। हाँ। जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, यहाँ के इंचार्ज थे। जी जी। तो उनके थ्रू मुझे काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने मुझे बताया कैसे क्या होता है नहीं होता है। हाँ जी। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सीखते गए। और इत्तेफाक क्या हुआ ना सर कि वो यहाँ से चले गए, 1 महीने के अंदर में वो यहाँ से चले गए, सारा लोड मेरे ऊपर में आ गया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभाल लिया। तो उनके द्वारा जितना भी चीज़ सीखे थे जी जी, वो सब अप्लाई करना चालू कर दिए। और एक क्या है कि सर अगर आपके ऊपर में जब लोड आता है ना, आप खुद लोड को ना संभालने की कैपेसिटी बन जाती है। एकदम सही कहा सर आपने, बस ये आवश्यकता विस्तार की जर्नी है। बस भाई। यस सर। तो ऐसे ही मेरा यहाँ से चालू हुआ, आगे बढ़ते गए। और आज के स्टेज में पूरा उस समय तो 1-2 इंजीनियर रह गए थे, अभी तो 5-6 हैं। अभी 1 महीने पहले भी मेरे ऊपर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे। जी। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी 1 महीने पहले थे, वो भी चले गए। वो रहे या ना रहे फिर भी ये काम पूरा मेरे ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर में रहता है। अभी पूरे कंपनी का पूरे जितने भी साइड है ना, ये सब मेरे अंडर में काम हो रहा है अभी। और कहां सर अभी गायत्री वेंचर्स का, कि हम अपने व्यूअर्स को ही बताएं कि किस तरीके से वो इस गायत्री वेंचर में अप्लाई भी कर सकते हैं, कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और गायत्री वेंचर क्या क्या काम करता है इस इंडस्ट्री पे? सर, गायत्री वेंचर्स का अभी रनिंग में बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। हाँ जी। फिर अभी ये राजी में आपका एनीकट का प्रोजेक्ट है, फिर खैरागढ़ में भी कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है जी। अभी रोड साइड भी चल रहा है, बहुत सारे 4-5 पूरे साइड, मतलब हर टाइप का काम गायत्री वेंचर्स करता है। कितनी पुरानी कंपनी है सर अभी गायत्री वेंचर? सर ये 12 साल की पुरानी। 12 साल पुरानी, मतलब हम कहें कि लगभग 2006-2008 में, 2006-2007 में चालू हुआ। जी जी। लगभग आप गायत्री वेंचर्स के बारे में पूरा तो जान गए होंगे। जी सर। यदि कोई हमारा इंजीनियर अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता है जी सर, तो वो जैसे आज गायत्री वेंचर्स के पास 30-40 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जी सर, तो ये किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? मतलब एक, क्योंकि हमेशा इंजीनियर यही सोचता है कि पहले ही मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा होता पॉसिबल नहीं है। तो क्या वो गायत्री वेंचर्स का क्या करियर पाथ रहा, यदि आप थोड़ा इसमें? सर इसमें सबसे बड़ी एक रोल होता है, कोई अगर फ्रेशर होता है ना, हाँ जी, हर इंसान कर सकता है, लेकिन उसको करने के लिए ना एबिलिटी होनी चाहिए सर, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, कि हाँ किसी भी परिस्थिति में वो खड़ा रह सकता है। अगर वो खड़ा रह गया ना सर, वो कैसा भी काम हो, कितना भी करोड़ों का हो, वो निकाल सकता काम को। तो वो किस तरीके से, मतलब क्या ट्रेनिंग लें, क्या वो सीखें जिससे कि आसानी से वो कंपनी को हैंडल कर सकें? सर अगर वो साइट पे अगर काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। हाँ जी सर। ये नहीं कि हम इंजीनियर हैं तो मेरा जो स्ट्रक्चर वर्क है तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर वर्क को ही ध्यान दें। छोटी छोटी एक छोटी छोटी चीज़ ही है ना, आपका एक्सपीरियंस बनाता है सर। यस सर। अगर आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये तो इंजीनियर का लेवल का काम नहीं है, तो वैसा नहीं। अगर वो सुपरवाइजर का भी काम हो ना तो उसको भी आप समझो, क्योंकि वो तो आपको भी नहीं आता है। हाँ जी। उसे भी काम को सॉल्व करने का तरीका होगा। हाँ। तभी आप बड़े लेवल पे जाके छोटे लेवल का काम को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तभी कंपनी पूरा हैंडल कर सकते हैं। एकदम सर। सर मैं एक टेक्निकल सवाल जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है इस प्रोजेक्ट को हैंडल करते वक्त, कि जो एक फ्रेशर है, क्योंकि एक फ्रेशर का टैग लोगों ने लगाया हुआ है कि 4 साल की बी के बावजूद उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री, जिसको बोल देते हैं अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट, कि अब आप बेरोजगार हो गए हो, हिम्मत है तो रोजगार पाके देखो।
तो वो रोजगार पाने के लिए कौन कौन सा टेक्निकल स्किल कि वो किस तरीके से अपने करियर पे, और आप जो यहाँ काम कर रहे हैं, आप हैंडल कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो कौन कौन सा टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को सीख के आगे बढ़ सकते हैं? सर, अगर कोई फ्रेशर है, हाँ जी सर, तो सबसे पहले अगर वो, उनको तो कुछ पता नहीं है, अगर फील्ड वर्क का तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो 2-3 महीने का साइट विजिट करके, साइट पे जाकर वहाँ पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ जी, वहाँ पे क्या है, अगर जीरो से काम स्टार्ट कहीं भी हो रहा है, लेआउट से हो रहा है, तो लेआउट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लेआउट अगर सीख गए तो वो स्ट्रक्चर का कोई भी काम हो समझ में आ जाएगा। फिर बार बेंडिंग शेड्यूल, वो चीज़ साइट पे उनको समझ में आई जाएगी। हाँ जी, सबसे पहले और फ्रेशर को सर 2-3 महीने का ट्रेनिंग लेना मस्ट है सर, उसके बाद सर आपका ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाएगा। एक्चुअली वही 2-3 महीने की ट्रेनिंग हम सिविल गुरुजी भी ट्राई कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से प्रोवाइड कर दें कि वो साइट पे जाके यदि कोई सिखाने वाला नहीं भी है तो भी वो किसी भी रनिंग साइट पे जाके काम कर सकता है। कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन है सर जहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कि कोई गांव से आया हुआ है, अब गांव में तो बड़ा प्रोजेक्ट चल नहीं रहा होगा, उसको शहर पे रहना है तो खर्चा करना पड़ेगा। तो हम ये सजेस्ट करते हैं इंजीनियर्स को कि आपके नियरेस्ट जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा हो, किसी का घर ही बन रहा होगा, तो वो घर बनने पे क्या तरीका है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, वहाँ पे कौन सा सुपरवाइजर काम कर रहा है, किस तरीके से स्टील लग रहा है, क्योंकि कॉन्क्रीट, ब्रिकवर्क, प्लास्टर, शटरिंग, रेनफोर्समेंट, ये तो हर जगह चलते ही रहता है। उस जगह हमारा कोर्स भी लोगों को फायदा करता है, और जैसे कि हम बात करेंगे जो टेक्निकल स्किल, जो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, तभी आसानी से करियर ग्रोथ हो सकता है। मेरा मानना है सर एक चीज़, यस सर, कि आप फ्रीडम हो, अगर कोई फ्रेशर है ना, तो ये मत सोच के जाए कि मुझे कितना पेमेंट मिलेगा। हाँ जी, अगर वो पेमेंट को सोच के जाएगा ना तो काम सीख नहीं पाएगा। एकदम सर, अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम होकर सीखो, वहाँ पे जो चीज़ नहीं आता है वो हर चीज़ पूछो आप। अगर आप सोचोगे हम एज ए इंजीनियर वहाँ गए हैं तो वहाँ तो वो शटरिंग वाला तो मेरे से पोस्ट में नीचे, उससे पूछेगा मेरा ये हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, सही। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बेहिचक पूछो, आप एक बार आप पूछ लोगे सर तो आप हमेशा लाइफ टाइम आपके लिए वो काम आएगा। जी सर, कंपनी की बात करें अपन, कि आपके पास अभी 6 इंजीनियर जिससे आप रिपोर्टिंग ले रहे हैं, और कुछ सुपरवाइजर भी होंगे जिनसे आप रिपोर्टिंग लेते हैं, इतने सारे 17 ब्लॉक में, पूरा 17 ब्लॉक में आपका काम चल रहा है, तो हर ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप उनसे रिपोर्टिंग लेने का क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स जॉब भी कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो आप किस तरीके से उनसे रिपोर्टिंग ले रहे हैं, कि कितना आसान वे पे, कितनी आसानी से आप उनको कौन सा फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना डेली रिपोर्ट हो सके या बिलिंग का रिपोर्ट हो सके, वो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? जैसे हमारे पास 6 इंजीनियर है, हाँ जी, 17 ब्लॉक है जी, तो सबके अंदर में सर 3-3 ब्लॉक, किसी को 2 ब्लॉक, ऐसे करके हम लोगों ने इंजीनियर्स को, आपने इंजीनियर के अंदर में ब्लॉक को बांट दिया, मतलब एक इंजीनियर के अंडर में 3 ब्लॉक जी, 3 ब्लॉक में जितनी भी एक्टिविटी होगी सर, जो भी वर्क होगा उन, वो उस साइट इंजीनियर के अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर साइट पे किसी तरीके का कोई परेशानी होती है, कोई बात होगी, तो उस सीधे मुझे रिपोर्ट करते हैं। अच्छा जी सर, तो उसको फिर जैसे किसी ने रिपोर्ट किया कि सर आज यहाँ कल हो सकता है मेरे को ज़्यादा लेबर चाहिए, या मेरे पास ज़्यादा लेबर हो गए हैं, इनको मेरे को दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सर ये देखते हैं कि अगर मेरा अगर सारा साइट अगर फुल है, तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा साइट पे कितने लेबर हैं, कहाँ पे कम है, कहाँ ज़्यादा है, तो जहाँ पे कम रहते हैं लेबर मिस्त्री, तो वहाँ पे उस उनके लेबर मिस्त्री को वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वहाँ का भी जो अपना वर्क प्रोग्रेस है वो थोड़ा बढ़ जाता है अपना। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि मैक्सिमम व्यूवर्स ये कहते हैं सर कि फील्ड में ये वाली चीजें कहाँ से सीखें, कि कितने लेबर लगेंगे, कौन सा लेबर को कहाँ लगाना है। जी सर, ये सब चीजें क्या कहीं सिखाई जा सकती है या एक सेल्फ जनरेट है? सर ये सेल्फ जनरेट है। अगर आप सर साइट पर रहोगे, हाँ जी, तो आपको सर ये पता चलता है, क्योंकि आप ड्राइंग से ये पता नहीं कर पाओगे कि हाँ ये इतना भी इतना रूम है, इसमें एक मिस्त्री डाल के कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जब तक आप साइट पे नहीं रहोगे सर, आप काम 1 से 2 दिन नहीं देखोगे, आपको उसका ये पता नहीं चल पाएगा, अनुभव नहीं हो पाएगा सर, तो इसलिए आपको फील्ड पे रहना बहुत जरूरी है सर। इसको मैं इस तरीके से भी कनेक्ट करता हूँ सर, कि जैसे कि हम कहीं पार्टी करने जाते हैं, जी सर, रात में खाना खाना है हमें, जी सर, और हमको मालूम नहीं कि मेरा फ्रेंड कितना खाता है, और एक मैंने लमसम क्वांटिटी का खाना ऑर्डर कर दिया, yes, और उस दिन खाना कुछ बच गया, yes, तो अगली बार जब मैं पार्टी करने जाऊंगा तो कम खाना मंगाऊंगा, yes, उन्हीं के साथ, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस हो गया है, yes, और मेरे को
पता है कि मेरे को कम खाना मंगाना है, लेकिन यदि सेम कंडीशन पे यदि मुझे पहले पता चल जाए, मैं अपने दोस्तों से पूछ लूं कि वो कितना खाना खाएंगे या कितना वो ऑर्डर चाहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि मैं बजटिंग पहली बार में जो लॉस हो रहा है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। एग्जैक्ट सर, ये ट्रेनिंग से शायद हो सकता है कुछ फायदा हो जाए लोगों को। आपने सही बोला सर, ऐसे ही जब साइड पे चलते हैं ना, अभी प्लास्टर के जैसे काम होता है, एक बेडरूम को अगर निकालने के लिए वो लोग दो मिस्त्री लगाते हैं, कॉन्ट्रेक्टर दो मिस्त्री लगा देंगे, उनको बोलते हैं पूरा दिन भर में, वो 3 बजे तक ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ये देखते हैं कि 3 बजे दो मिस्त्री ख़त्म कर रहे हैं, कल एक लगा के देखते हैं। हाँ जी, तो इससे ये पता चलता है वो कल कितने टाइम में ख़त्म, 5 बजे तक ख़त्म किया, तो फिर उनके माइंड में ये सेट हो जाता है अब एक ही मिस्त्री को इसमें उनको ठेका दे देंगे कि भैया आपको एक दिन में पूरा इसको उतारना है, आप जैसे भी उतारो। इस तरह से उन लोगों का ना सेटिंग हो जाता है और अपने काम को भी जल्दी जल्दी निकालते हैं। मतलब ये साइट पे ही रह के आप ये देख सकते हो कि कितना लेबर आउटपुट दे रहा है या क्या इसका कंडीशन है, कितने तरीकों से वो काम कर सकता है, क्या आप बजट बना सकते हो अपने कंपनी के लिए कितने। इसमें ये भी कह सकते हैं सर कि इसमें कंपनी का ही प्रॉफिट अल्टीमेट। यदि इंजीनियर अपनी IQ और अपना कॉमन सेंस लगाना चालू कर दे, इंजीनियरिंग तो एक साइड मैटर है, यदि हम कॉमन सेंस लगाना चालू कर दे तो हमारी कंपनी की अर्निंग अच्छी हो जाती है। सर इसमें सबकी अर्निंग अच्छी होती है, कंपनी जी, जो कंपनी का अंडर में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको, फिर उनके अंडर में जो छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर मिस्त्री लेकर आते हैं वो काम कराते हैं। इसमें फायदा क्या होता है सर, जिस काम को अगर मेरे को 10 दिन में करना है, अगर वो 7 दिन में करेंगे तो उनको पेमेंट पहले मिलेगा। यस सर, अगर उसी काम को अगर 1 महीने में करेंगे तो पेमेंट तो लेट से मिलेगा, पहले तो दे नहीं सकते हैं, काम तो उतना ही है, काम उतनी है सर। तो इन लोगों के माइंड में अब ये सेट हो गया है कि मेरे को काम बहुत फास्ट निकालना है। जी सर, तो इसीलिए अब पूरा पहले से प्लानिंग, अगर इनको पता नहीं रहता है जो नए कॉन्ट्रैक्टर उनको नहीं आता है, तो हम लोग गाइडलाइन कर लेते हैं कि आप एक एक मिस्त्री 4 यूनिट में डाल दो, वैसे जब 6 दिन का एक ठेका दे दो आप, 6-6 दिन में आपका निकल जाए, मतलब 1 हफ्ते में आपका काम निपट गया। ग्रेट सर, ग्रेट। एक मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा सर, जो मैक्सिमम हमारे इंजीनियर्स पूछते हैं कि सर कितने समय तक एज अ साइड इंजीनियर जॉब करें और कितने समय के बाद हमें उस अप्रूवल के लिए या कह सकते हो हमारा प्रमोशन के लिए, कब हमें कंपनी में बात करनी चाहिए कि अब मेरे को प्रमोशन चाहिए, वो क्या क्या ऐसा कुछ है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से अपना पोस्ट हम इंक्रीमेंट करें। बिल्कुल सर, अगर आप जैसे अगर 0 से अगर कोई साइट मिल गया, आप बेहिचक उनको कुछ नहीं बोलना है, अपने बॉस को कंपनी को कुछ नहीं बोलना है, आप अपना काम दिखाना है आपको जी। अगर पूरा साल पूरा काम चल रहा है ना, पूरा आप काम दिखाओ आप जी। आप अब जितना आपका ग्रोथ रहेगा कंपनी की नज़र आप पे रहेगी जी, जी, तो वो देखेंगे कि हाँ इनका ये परफॉर्मेंस अच्छा है। तो जिस दिन आपका फाइनल अगर वो पेमेंट करेंगे ना, तो अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को ये पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे को ये पेमेंट चाहिए, तो वो भी नहीं बोल सकते नहीं हमें ये पेमेंट नहीं दे सकते, वो उनको देना ही पड़ेगा सर। एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ था। अच्छा जी, हम बीच में कभी पेमेंट के लिए सर को कभी नहीं बोले, जो मुझे देते थे वो देते थे, और मेरा जो काम था कभी मेरा तो ड्यूटी जिस 8 बजे से रात 8 बजे तक। हाँ, मतलब वो तो जब कोई लिमिट नहीं है, जब स्लैब कास्टिंग कभी कभी सर हम लोगों ने 1 बजे तक भी किया है। यस, तो हम लोगों ने कभी भी सर को ये नहीं कहा सर इसका हमारा ये ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि अगर ये बात अगर हम बोलेंगे ना तो हमारा वैल्यू वहाँ पे डाउन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इस चीज कभी बोले नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशन कभी कभी आता है, डेली नहीं आता सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो ऊपर से आपको बोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी सर मेरा पेमेंट यहाँ से यहाँ कर दो, टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहेगा, कर देंगे सर। हाँ, वो हो जाता है सर उसमें। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सारे व्यूवर्स को इस सारे नॉलेज जो आपने दिया वो यूज़ करके अपना करियर ग्रोथ करेंगे। और मैं फिर से चाहूँगा कि नेक्स्ट मीटिंग हम कभी और करें, इसमें हम और भी जो भी आपकी एक्सपीरियंस है हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज थे हमारे साथ मिस्टर नीरज कुमार जी, और नीरज कुमार से हमने ये बात किया कि किस तरीके से वो एक कम समय अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करने पे काबिल बने, और साथ ही साथ इस लॉकडाउन पे भी जो लेबर की कैपेसिटी थी वो उन्होंने मेंटेन करके रखा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज इंडस्ट्री में, मैक्सिमम प्रोजेक्ट के लीडर्स यही कह रहे हैं कि सर हमारे पास लेबर नहीं है, प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से हम बात कर लेंगे प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के बाद आप पूरा क्लिप देखिएगा कि कितना बड़ा साइट है, हर एक ब्लॉक में लेबर इंगेज है और आज भी कंटिन्यू काम हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग बन चुका है, सुबह से पानी गिर रहा है, आज के दिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह से पानी गिर रहा है, लेकिन हर एक साइट पे लेबर इंगेज है, 1% का भी लॉस नहीं होगा, टाइम एक्सटेंड नहीं होगा, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी को होगा। और इसी तरीके से यदि आप अपना टेक्निकल स्किल के लिए कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे बोर्ड नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, हर एक डाउट हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिविल गुरुजी आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेगा।
थैंक यू सो मच। उसी जोश और सीजन के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।